आपका चेहरा भी धूप में निकलने से सांवला हो गया है और निखार गायब हो गया है, तो मैं आपका खोया हुआ निखार वापस दिला दूंगी अपने फेस मास्क से, जिसको हम उपटन भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिया है 3 बड़े चम्मच मसूर की दाल, चना दाल, ग्रीन मूंग दाल, ओट्स और सौंफ। मसूर की दाल आपकी स्किन में ग्लो और स्किन वाइटनिंग में हेल्प करती है। चना दाल जिससे बेसन बनता है, बेसन एक बहुत अच्छा क्लेंजर है। ग्रीन मूंग दाल, इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को ग्लो देगा। ओट्स, ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाता है। मोटी सौंफ, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देगी। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल लेंगे। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। 5 मिनट्स के लिए इसको रोस्ट करें, फिर फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें। दोस्तों, जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लें। हमें इन सीड्स को इतने अच्छे से ग्राइंड करना है कि ये एकदम पाउडर टेक्सचर में आ जाए। और यहाँ मेरे सीड्स अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और देखिए कैसे पाउडरी हो गए हैं। अब हम इस पाउडर को एक छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। इसको छानते वक्त हमें दिखेगा कि कुछ सीड्स तो अभी भी दरदरे पिसे हैं, तो हम इस बचे हुए मिक्सचर को एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इस बचे हुए मिक्सचर को भी अब हम इसमें छान लेंगे और फिर देखिएगा दोस्तों हमें कितना महीन पाउडर मिलता है, एकदम स्मूथ पाउडर जैसा हमको चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये कितना महीन आटे जैसा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चंदन पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। फिर हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा उपटन पाउडर रेडी है। इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि इसमें दालें डली हुई हैं तो कुछ दिनों बाद वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना उपटन फेस मास्क। मैंने लिया है यहाँ 1 चम्मच अपना उपटन पाउडर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें दूध डालिए, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो गुलाब जल या पानी डाल लीजिए, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही डाल लीजिए। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैंने लिया है 1 चम्मच दही और थोड़ा सा दूध। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर इसकी एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा लें और 15-20 मिनट बाद फेस वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से। इस उपटन को आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, अपने पैरों पे भी लगा सकते हैं, और इसके रेगुलर यूज से देखिएगा आपको कितना अच्छा निखार मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।